अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सुपर एसएनजे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं टॉप 3 ओपन वर्ल्ड एंड्रॉयड गेम्स। दोस्तों, इसमें आपके लिए ओपन वर्ल्ड ग्राउंड होगा, जैसे ही आप रहना चाहते हैं वैसे ही रह सकते हैं। इस गेम्स में आप फाइट भी कर सकेंगे, कोई कार भी चला सकेंगे, हेलीकॉप्टर, कोई भी चीज़ चला सकते हैं बिना पूछे, जो आप ज़िंदगी में नहीं चला सकते। और इनमें से एक गेम में आप हाइड्रास चला सकते हैं, एयरप्लेन्स चला सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी चला सकते हैं। और हेलीकॉप्टर्स हाइड्रास के लिए अलग एक प्लेन होगा जिसको एयरपोर्ट कहते हैं, वो भी होगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को अपने सेलेक्ट कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें। नंबर फर्स्ट पे जो गेम आती है उस गेम का नाम है GTA 3 फॉर एंड्रॉयड। और दोस्तों, इस गेम की साइज 1.3 GB है। और दोस्तों, ये गेम बहुत अमेजिंग है। ये गेम 2000 को लास्ट पब्लिश हुई थी, मीन्स दोस्तों इस गेम को 22 साल पहले पब्लिश किया गया था। इस वक्त तक ये गेम कंप्यूटर्स के लिए ही पब्लिश की गई थी, अब दोस्तों एंड्रॉयड के लिए भी बना दी गई है। इस गेम में आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, कार चला सकते हैं, किसी को पंच मार सकते हैं, किसी को जान से मार भी सकते हैं, और दोस्तों पुलिस वालों से भी लड़ सकते हैं इस गेम में। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लास्ट में भी कुछ कर सकते हैं। तो लाइक कर दे इस वीडियो को, और कुछ और करना है तो सब्सक्राइब कर दे यार। तो अब देखते हैं हम पंच मार सकते हैं या नहीं। तो हम इस ट्रक से उतरते हैं, यहाँ पर कोई आदमी दिख रहा है तो इस आदमी को मार देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई है, मुझे लगता है मैंने ट्रक किसी आदमी को मार दी। यहाँ पर आदमी मिल गया है, इसको मारते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अलग तरह की पंचेज हैं, जिन पंचेज से हम किसी भी आदमी को मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं इनको। तो दोस्तों, इसमें आप गन्स भी यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दूसरी गेम पे। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो गेम आती है उस गेम का नाम है GTA Vice City फॉर एंड्रॉयड। और इस गेम की साइज 1.50 GB है। दोस्तों, है तो GTA 3 भी अमेजिंग, पर यह गेम उससे भी अमेजिंग है। GTA Vice City गेम GTA 3 से इंस्पायर्ड है। इन दोनों में से डिफरेंस यही है कि उस गेम के ग्राफिक्स थोड़े लो थे, इस गेम के ग्राफिक्स थोड़े हाई हैं। GTA 3 में मैप इतना ज़्यादा नहीं था, GTA Vice City में थोड़ा बड़ा मैप है। और उस गेम में पेट्रोल पंप्स नहीं थे, इस गेम में पेट्रोल पंप्स के साथ वहाँ पर टेलीफोन्स भी हैं। कोई भी फर्क नहीं है दोस्तों, इस गेम में भी हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। GTA 3 में हम हेलीकॉप्टर्स नहीं चला सकते थे, पर GTA Vice City में हम हेलीकॉप्टर्स भी चला सकते हैं। GTA 3 में दो तरह की मोटरसाइकिल्स थी, पर GTA Vice City में चार तरह की मोटरबाइक्स हैं। और अमेजिंग बात तो यह है गेम की कि हम इस गेम में मोटरसाइकिल से जंप भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम जंप मारने के लिए रेडी हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जंप मार रहे हैं। कितनी गेम अमेजिंग और ग्राफिक्स अमेजिंग है आप देख सकते हैं इस गेम के। जैसे ही आप पहला जंप मारेंगे तो आपको $100 मिलेंगे, दूसरे जंप में भी वैसे ही पैसे मिलेंगे जैसे पहले में मिले थे। तो दोस्तों, तीसरी गेम को देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन वापस लेकर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो गेम आती है उस गेम का नाम है GTA San Andreas फॉर एंड्रॉयड। और इस गेम की साइज 2.70 GB है। बाकी गेमों से ये बेहतरीन गेम है, इसमें तो आप पूछो क्या कुछ नहीं कर सकते। GTA Vice City और GTA 3 से ज़्यादा इसमें फीचर्स हैं गेम में। दो GTA 3 और दो GTA Vice City के मैप्स लाएं, फिर भी GTA San Andreas का मैप उन दोनों से ज़्यादा होगा। GTA 3 में हम हेलीकॉप्टर नहीं चला सकते थे, तो GTA Vice City में चला सकते थे। GTA Vice City में हम एयरप्लेन नहीं चला सकते थे, अब GTA San Andreas में चला सकेंगे। मजा की बात तो ये है, GTA Vice City में हमारे पास हमारी चॉइस के कपड़े नहीं हो सकते थे, पर इस गेम में आप अपनी चॉइस के कपड़े पहन सकते हैं और ख़रीद कर सकते हैं। और मोटरसाइकिल्स की बात करें तो इस गेम में 8 अलग तरह की टाइप्स होते हैं मोटरसाइकिल्स। और कार का कलेक्शन देखें तो 500 से ज़्यादा कारें होंगी इस गेम में। है ना ये गेम अमेजिंग, तो कमेंट करके बताएं, इस गेम के लिए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हम मोटरसाइकिल को राइड करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस मोटरसाइकिल की स्पीड, और इस गेम में आप अपने मूड भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इस गेम को आप खेलते रहेंगे तो मज़ा भी आता रहेगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, हमको भी मज़ा आता रहेगा आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। कैसी लगी है वीडियो?
थैंक यू दोस्तों।